नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। अक्सर लोग कई बार शारीरिक रूप से तो कहीं होते हैं और मानसिक रूप से दूसरी जगह होते हैं, लेकिन जब कोई महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा हो, कोई बात चल रही हो, तब क्या ऐसा करना चाहिए? इसी बारे में एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग आपके सामने। एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे और श्रोतागण बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अब उन श्रोताओं में से एक श्रोता ऐसा भी था जो बार बार रोने लगता। महात्मा उससे आखिरकार उनसे रहा नहीं गया तो पूछ पड़े कि पुत्र, क्या तुम्हें नींद आ रही है? हड़बड़ा कर वह बोला, नहीं नहीं महात्मा जी, बिल्कुल नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। अक्सर हम नहीं चाहते कि लोगों के सामने हमारा सच आए, और स्वभावतः उसने भी ऐसा ही किया। महात्मा ने एक दो बार फिर पूछा कि पुत्र, क्या तुम नींद ले रहे हो? वह हड़बड़ा कर बार बार यही कहता, नहीं नहीं महात्मा जी, बिल्कुल नहीं। अब इस प्रकार प्रवचन अंत तक चलता रहा और वह सोता रहा। अंत में उसे सीख देने के लिए महात्मा ने एक सवाल उससे फिर किया। प्रवचन समाप्त होने लगा तब, पुत्र क्या तुम जीवित हो? अब इस बार प्रश्न बदल गया था, लेकिन वह व्यक्ति वहां मौजूद था ही नहीं, चूंकि शारीरिक रूप से तो था लेकिन मानसिक रूप से नहीं था। स्वभावतः जब महात्मा ने पूछा कि पुत्र क्या तुम जीवित हो, तो उसने समझा कि महात्मा पूछ रहे हैं कि क्या तुम नींद ले रहे हो। उसने तुरंत उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं महात्मा जी, बिल्कुल नहीं। अब क्या तुम जीवित हो का उत्तर बिल्कुल नहीं महात्मा जी, बिल्कुल नहीं महात्मा जी पाकर सारे श्रोतागण हंस पड़े। महात्मा खुद भी बिना मुस्कुराए नहीं रह सके। महात्मा बोले कि पुत्र, नींद के झोंक में तुमने ठीक ही कहा, क्योंकि जो नींद के बस में होता है वह मरे हुए के समान ही होता है। अर्थात जो व्यक्ति महत्वपूर्ण कार्यों के समय, महत्वपूर्ण बातों के समय मानसिक रूप से वहां मौजूद नहीं होता, अर्थात जहाँ महत्वपूर्ण कार्य चल रहा हो, उसका दिमाग, उसका मन दूसरी जगह हो, और जब वो दूसरा कार्य करने जाए तब उसका मन महत्वपूर्ण कार्य में हो, ऐसी उल्टी परिस्थितियां अक्सर लोगों के साथ बनती हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं अक्सर उनके कार्य सफल नहीं हो पाते, सिद्ध नहीं हो पाते, क्योंकि वहाँ किसी भी कार्य में अपना पूरा प्रतिशत, अपने आप को पूरी तरह लगा ही नहीं पाते। इसीलिए जब भी जहां भी रहें, जिस भी कार्य को करें, अपनी पूरी ऊर्जा, पूरा मन उस कार्य को करने में लगा दें। ऐसा ना हो कि आप शारीरिक रूप से कुछ कार्य कर रहे हैं और मानसिक रूप से किसी और कार्य का चिंतन कर रहे हैं। छोटी सी सीख, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीख, जीवन को उन्नत बनाने वाली सीख। इसी तरह के अन्य प्रेरक प्रसंगों के लिए, महापुरुषों के जीवन के प्रेरणादायक कहानियों के लिए, वैदिक भजनों के लिए, वैदिक लेखों के लिए, वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।